हाथ उठा करके बताए मोहब्बत करते हैं तो और खाली कर दीजिए बस, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। क्या हमारे देश में दो अलग तरीके का कानून लागू होता है? दो धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। इस देश के एक धर्म के लिए अलग कानून है और दूसरे धर्म के लोगों के लिए अलग कानून है। ये मेरा सवाल आपसे भी है और देश के न्यायाधीशों से भी है, डीवाई चंद्रचूड़ से भी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन तमाम लोगों से है जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जो जनता की रखवाली की कस्में खाते हैं, जनता को सुरक्षा देने की बातें करते हैं, उनके साथ इंसाफ करने की बातें करते हैं, उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि क्या ऐसा कोई नया कानून बन गया है क्या नए भारत में? क्योंकि नए भारत में आप अल्पसंख्यक धर्म से आते हैं तो आपके ऊपर फौरन कार्रवाई होगी, फौरन आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा तुरंत, इतनी स्पीड से दोस्तों कि मतलब बुलेट ट्रेन भी फेल है। मोदी जी वाला बुलेट ट्रेन जो आने वाला था भारत में, वो स्पीड भी फेल है क्योंकि इतनी तेजी से काम होता है एक धर्म को जेल के अंदर डालने के लिए, उस पर आरोप लगाकर कि वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, विवादित बयान दे रहे थे। लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे विवादित बयान दिए गए हैं खुल्लम खुल्ला, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हरिद्वार की धर्म संसद में किस तरीके से जो है आप सभी ने देखा है कि क्या क्या बयानबाजी दिया गया, चाहे वो यति नरसिम्हानंद हो, टी राजा हो, काजल हिंदुस्तानी हो और ना जाने एक्स वाई जेड बहुत सारे नाम है दोस्तों, अगर लेकर बैठने लगूंगी तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो इन लोगों की गिरफ्तारी तो होती नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक मौलाना की गिरफ्तारी हो गई। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विवादित बयान दिया है, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुंबई की सड़कों पर इस वक्त लाखों लाख मुसलमान उतर चुके हैं और थाने का घेराव भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए वो मौलाना साहब किस तरीके से पुलिस को, जी हाँ पुलिस को ही प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने चाहने वालों से अपील कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन ना करें, आप घर जाएं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से उनके साथ कुछ गलत होगा। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी इस देश में किस तरीके से मौलानाओं पर शिकंजा कितनी जल्दी कसा जाता है, और मौलाना खुद जो है इस बात की जानकारी साझा कर रहे हैं और अपने फैन से, अपने चाहने वालों से लाखों लाख की तादाद में जो इस वक्त महाराष्ट्र की थाने के बाहर जो है खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो ये यूज़र लिखते हैं अली सोहराब कि अगर आप में आवाज़ उठाने की ताकत नहीं है तो कम से कम आवाज़ उठाने वालों की ताकत बनो। ये मौलाना माइक से, जी हाँ माइक से कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक और यूज़र है मोहम्मद तनवीर, लिखते हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। इस वक्त जो है ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये मौलाना साहब जो है उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इस तरीके से प्रदर्शन ना करें, आप जो है घर जाएं। नरगिस बानो लिखती हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं, साहब को पता है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए उनके चेहरे पर डर नहीं है, भीड़ का मंजर नहीं, ये लोगों की मोहब्बत है जो मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठा रही है। और वो उन तमाम लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर आवाज़ इस तरीके से भीड़ लगा लगा कर हिंसात्मक चीज़ें ना करें। मुफ्ती अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, जो होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। इस तरीके से इन्होंने तमाम चीज़ें, तमाम बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अश्विनी सोनी लिखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के एक बयान के आधार पर, आधार बनाकर गुजरात ATS ने उन्हें डिटेन कर लिया, लेकिन 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान करने वाला सुधीर चौधरी अभी भी खुला घूम रहा है, फिर भी कानून सबके लिए बराबर है। तो इस तरीके से ये सवाल उठाया जा रहा है कि सुधीर चौधरी भी है एक, वो भी खुले घूम रहे हैं। मिलर टाइम्स की तरफ से शेयर किया गया कि अभी हमारी मुलाकात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से घाटकोपर पुलिस स्टेशन में हुई, उनका कहना है कि मैंने किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की है और किसी की आस्था को ठेस जो है वो नहीं पहुंचाई है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, मुझे इंसाफ मिलेगा और अपील है कि लोगों से शांति बनाए रखें और कायदे कानून का पालन करें। तो ये बात जो है AIMIM के नेता जो है उनकी तरफ से कहा गया है,
कि वो उनसे मिलकर आए हैं और ये बातें जो है वो अपनी बयां कर रहे हैं। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रही है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, ना ही किसी अपराध के लिए यहाँ लाया गया हूँ। हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन ना करने का अनुरोध करते हुए ये तमाम बातें कही है कि मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया है, इस वजह से जो है आप हम इस तरीके से प्रदर्शन ना करें। आगे नरगिस बानो लिखती हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में थाने के बाहर उमड़ा जनसैलाब, भारी तादाद में पहुंचे लोग, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह जो है थाने के बाहर गूंजते हुए लोग चिल्लाते हुए नजर आए हैं। तो इस तरीके से जो है उनकी तरफ से ये तमाम अपील की जा रही है। सोचिए दोस्तों, अभी कल ही की खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। बजरंग दल के कुछ लोगों ने, बजरंग दल के कार्यकर्ता मोदी जी के चहेते, उन्होंने गौकशी करते हुए पुलिस SHO को हटाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचा, लेकिन तमाम गौ रक्षक का खून नहीं खोला। जी हाँ, किस तरीके से गाय की हत्या करके और इस तरीके से जो साजिश रची गई वो तमाम चीज़ें खुल गई, और उसके बाद जब पकड़ा गया, गलती भी, वो कहते ना चोरी भी सीना चोरी भी, और वैसा ही कुछ होने लगा। जब पुलिस ने पकड़ा तो उसके जो कार्यकर्ता है बजरंग दल के, वो हंगामा करने लगे, पुलिस को चेतावनी देने लगे। सोचिए, पहले तो मुसलमान को फंसाने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस SHO को फंसाने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें इन लोगों की तरफ से किया गया, और जब इन्हें पकड़ा गया, जबकि सब जान रहे कि गलत है, लेकिन फिर भी ये लोग उसके समर्थन में, जो नफरती लोग हैं वो उसके समर्थन में उतर कर जो है गिरफ्तार ना करने की मांग करने लगे, रिहाई की मांग कर रहे हैं कि रिहा किया जाए। अब जो लोग गौ हत्या को लेकर जो ठेकेदार बने रहते हैं, धर्म का हवाला देते हैं, उन धर्म के रक्षक जो हैं एक लफ्ज नहीं बोल पाए कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गलत किया है और उसे सजा होनी चाहिए, तब इनका गाय प्रेम इनको नजर नहीं आया। माता मानी जाती है हिंदू धर्म में गाय, और उसके साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर भी इस देश में ऐसा लगता है कि लोगों ने अंधा चश्मा लगा रखा है, नफरती लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कि उसे देखना है तो सिर्फ नफरत ही नफरत देखना है, सच्चाई अच्छाई उसे नजर नहीं आती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।